चिंताजनक बात यह है कि एक तरफ बरेली से यह तस्वीरें आ रही हैं, कोलकाता से भी कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। हम आपको कोलकाता की भी तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे संवाददाता अनुपम की यह रिपोर्ट देखिए। उलेमाए हिंद की कोलकाता में रैली निकली हुई है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई ये नारा लगाया जा रहा है और ये लंबी रैली है, कोलकाता के राजा बाजार से शुरू हुई है और धर्मतल्ला में खत्म हुई। और इस रैली का मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो मकसद है, वो है कि किस तरह से ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके 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 बारे में ये पूरी रैली है। क्या मकसद है इस रैली का, वो थोड़ा बताइए। माइक में जाओ, सभी जानते हैं। उर्दू में बोले, बांग्ला में, हिंदी में। देखिए, हम लोग जमीयत उलमा मगरबी बंगाल की जानिब से ये रैली निकाली है राजा बाजार से। आखिरी सिरा अभी राजा बाजार में है। 1 लाख से ज्यादा आदमी एहतजाज में शामिल है। ये एहतजाज पुरअमन है, शांतिपूर्ण है। इस एहतजाज में हमारा पहला मकसद ज्ञान बाफी मस्जिद, जो 800 साल पुरानी मस्जिद, जबरदस्ती इस मस्जिद को कोर्ट के सहारे से इस मस्जिद के नीचे मंदिर पूजा पाठ शुरू किया है। ये उनकी अकल है या नहीं है, इस पर हमें सोच है। हम जरूर बताएंगे, अगर यूपी का चीफ मिनिस्टर आया जबरदस्त घिराव करेंगे, कहीं बैठेंगे तो निकलने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। एक बात, हमारा मकसद यह है कि ज्ञान वाफी मस्जिद को खाली करें। हम लोग मुशरिक शिर्क के खिलाफ हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक अला, किसी मंदिर में हम तो जाते नहीं है। वो आजादी से पूजा पाठ करते हैं, वो करें, भाईचारगी है। लेकिन आपके हाथ ताकत है तो मस्जिद तोड़कर पूजा पाठ का रास्ता देंगे? ये दस्तूर हिंद से खिलवाड़ है, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है, कौमी यकजहती के साथ खिलवाड़ है। और हम चाहेंगे जल्द अज जल्द ज्ञान वापी मस्जिद, जो पूजा पाठ का ऐलान किया है, उसको बंद करके मस्जिद के हवाला कीजिए। एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उससे क्या ताल्लुक रखते हैं आप लोग? क्या एएसआई की जो रिपोर्ट है, पता नहीं किसने क्या, मस्जिद मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। ईमान यकीन, कोई भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे घर में, मंदिर में पूजा करेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं। तो खड़ी खड़ी जो मस्जिद 800 साल की है, उस मस्जिद को तोड़ देंगे? और ताखाना को ये कैसे विचार दिया हमको पता नहीं है। मुझे पूरी यकीन है यूपी हुकूमत जोगी ताकत इस्तेमाल किया है। ये कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद ये हुआ था। हाँ, तो कोर्ट को जैसे आप कागज देंगे फैसला वैसे होगा। पुरानी कागज को तोड़कर नकल करके दूसरा कागज बनाया मंदिर के हक में, और कोई पत्थर दिखाया होगा, कोई मूर्ति दिखाया होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने, यानी जिस दिन उनका ये था जजमेंट आया, उसी दिन वो अपने 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 कार्यकर्तगी से, जजमेंट से हट गए, उनका वक्त पूरा हो चुका। ये धांधली और खेल है। शॉर्ट में आप तो सीधे सीधे अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ गलत सबूत दिखा दिया गया होगा, लेकिन भारत में अदालती कार्रवाई अलग तरीके से चलती है। बहरहाल, अलग अलग शहरों में जिस तरह की भीड़ आपको दिख रही है, बरेली की तस्वीर अलग है इसलिए क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के साथ उसे जोड़कर देखना होगा, जहां पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वो देंगे और लोगों को भड़काते हुए यह बयान भी दिया कि हर मुसलमान गिरफ्तारी देगा। बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग बरेली में सड़कों पर निकले हुए हैं। पुलिस प्रशासन वहां कोशिश में है कि किसी तरीके से स्थिति नियंत्रण में हो। कोलकाता में जुमे की नमाज के साथ ही वहां पर भी ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो हल्द्वानी में सिचुएशन है, उस पर कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे तौकीर रजा, उनका ये कहना है कि मजारों को निशाना बनाया गया, इस वजह से यह पूरा का पूरा उपद्रव हुआ है।
देखिए हल्द्वानी में सबसे बड़ी वक्त की जरूरत जो उत्तराखंड सरकार की लापरवाही, इंटेलिजेंस फेलियर और उनकी गलतियों की वजह से जिस तरीके से माहौल खराब हुआ है, कानून व्यवस्था खराब हुई, वक्त का तकाजा है कि सबसे पहले उसे सामान्य किया जाए, हालात नियंत्रण में किया जाए। दूसरा,